सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी की। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के बारे में युधिष्ठिर से स्वयं कहा कि मैं वसुदेव एवं देवकी के गर्भ से भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उत्पन्न हुआ हूँ। उस वक्त सूर्य सिंह राशि में और चंद्रमा वृषभ राशि में था और उस दिन रोहिणी नक्षत्र था। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र होता है तो वह तिथि जयंती कहलाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को पापियों से मुक्त करने के लिए कृष्ण रूप में अवतार लिया। जन्माष्टमी को स्मार्त और वैष्णव संप्रदाय के लोग अपने अनुसार अलग अलग ढंग से मनाते हैं। इस दिन प्रातःकाल नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर सभी भक्त उपवास रखते हैं। पवित्र नदियों में, पोखरों में या घर पर ही जन्माष्टमी व्रत का संकल्प लिया जाता है। दिन भर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए शुद्ध आचरण रखते हैं। माना जाता है कि इस दिन व्रत का पालन करने से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत होता है। श्री कृष्ण की पूजा आराधना का यह पावन पर्व सभी को कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण कर देता है। यह व्रत सनातन धर्मावलंबियों के लिए अनिवार्य माना जाता है। सभी भक्त अपने अपने तरीके से भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियों में जुट जाते हैं। उत्सव को विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। कहीं रंगों की होली खेली जाती है तो कहीं फूलों की वर्षा, इत्र की सुगंध का उत्सव भी इस दिन मनाया जाता है, तो कहीं दही हांडी फोड़ने का जोश और कहीं इस मौके पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन की मोक्ष छवियाँ निकाली जाती हैं। मंदिरों को विशेष रूप से सजाया जाता है। भक्त इस अवसर पर व्रत एवं उपवास का पालन करते हुए सायंकाल में कृष्ण की रासलीलाओं का आयोजन करते हैं। जन्माष्टमी से जुड़ी खास बात यह भी है कि इस शुभ अवसर पर भगवान कृष्ण के दर्शनों के लिए दूर दूर से श्रद्धालु मथुरा पहुंचते हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर व्रज कृष्णमय हो जाता है।